इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई वोकैबुलरी, यानी हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स यानी अल्फाज, उनके मीनिंग्स यानी मानी एंड सेंटेंसेस और जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज पी एल ए एन के बनता है प्लैंक। प्लैंक इसका मतलब होता है लॉन्ग फ्लैट पीस ऑफ वुड। लॉन्ग लंबा, फ्लैट बिल्कुल सीधा, पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा जिसे तख्ता, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक प्लैंक है यानी लकड़ी का तख्ता। जुमला देखते हैं, द फ्लोर वॉज मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स। द फ्लोर जमीन वॉज मेड बनी हुई थी ऑफ वुडन प्लैंक्स यानी लकड़ी के तख्तों की, यानी जमीन जो है वो लकड़ी के तख्तों की बनी हुई थी। अगला लफ्ज ई एक्स पी ई एन एस आई वी ई बनता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इसका मतलब होता है कॉस्टली यानी कीमती या महंगा। जुमला देखते हैं, शी वॉज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच। शी वॉज वेयरिंग यानी उसने पहनी हुई थी एन एक्सपेंसिव वॉच यानी एक कीमती घड़ी, यानी उसने एक कीमती घड़ी पहनी हुई थी, जिसका मतलब है कि वो घड़ी महंगी। अगला लफ्ज एफ ओ आर एस डबल ओ के बनता है फोरसूक। फोरसूक और ये लफ्ज फोरसेक का पास्ट टेंस है, फोरसूक जो है, और फोरसेक का क्या मतलब होता है, टू लीव समथिंग कम्प्लीटली, टू लीव छोड़ देना समथिंग, किसी चीज़ को कम्प्लीटली पूरी तरह से, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देना फोरसेक करना कहलाया जाता है, और पास्ट टेंस में इसे फोरसूक कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरह से छोड़ दिया था, लेफ्ट समथिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से किसी चीज़ को छोड़ दिया था। जुमले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, शी फोरसूक द सिटी लाइफ एंड वेंट टू लिव इन द विलेज। शी फोरसूक उसने छोड़ दिया था यानी पूरी तरह से छोड़ दिया था या हमेशा के लिए छोड़ दिया था द सिटी शहर, द सिटी लाइफ शहर की ज़िंदगी को, एंड वेंट और चली गई थी टू लिव रहने के लिए इन इन द विलेज यानी गाँव में, यानी उसने शहर की ज़िंदगी को पूरी तरह से छोड़ दिया था और गांव में रहने के लिए चली गई थी। अगला लफ्ज जी ए जी ई डी बनता है गेज्ड। गेज्ड इसका मतलब होता है टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। टू लुक एट समथिंग यानी किसी चीज़ को देखना, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी ज़्यादा देर तक, यानी गौर से किसी चीज़ को देखते चले जाना, ये गेज करना कहलाया जाता है। जैसे कि इसके लिए उर्दू में इस तरह से भी कहा जाता है कि तकते जाना। जुमले की मदद से समझते हैं, एट नाइट द चिल्ड्रन गेज्ड एट द स्टार्स। एट नाइट रात को द चिल्ड्रन गेज्ड यानी बच्चे देख रहे थे एट द स्टार्स सितारों को, यानी रात को बच्चे सितारों को देख रहे थे, जिसका मतलब हुआ कि वो काफ़ी देर तक सितारों को देखते रहे थे। अगला लफ्ज एफ ओ एन डी एल वाई बनता है फॉन्डली। फॉन्डली इसका मतलब होता है लविंगली यानी बहुत प्यार के साथ। जुमले की मदद से समझते हैं, ही स्माइल्ड फॉन्डली एट हिज चिल्ड्रन। ही स्माइल्ड वो मुस्कराया फॉन्डली बहुत प्यार के साथ एट हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों पर, यानी वो बहुत प्यार के साथ या बड़े प्यार के साथ अपने बच्चों पर मुस्कराया, यानी उनकी तरफ देख के वो मुस्कुराया। अगला लफ्ज ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन ए टी ई बनता है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट इसका मतलब होता है शोइंग और फीलिंग लव एंड केयर। शोइंग दिखाना और फीलिंग या महसूस करना, लव एंड केयर यानी प्यार और
हमदर्दी यानी कि जिस तरह से किसी का ख्याल रखा जाता है तो उसे केयर करना कहते हैं। जुमले की मदद से समझते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज अफेक्शनेट टूवर्ड्स देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज यानी दादी दादा या नानी नाना जो है आर ऑलवेज हमेशा होते हैं अफेक्शनेट यानी मोहब्बत करना या प्यार करना टूवर्ड्स ए ग्रैंड चिल्ड्रन यानी अपने पोती पोते या नवासे नवासी की तरफ। यानी दादा दादी या नाना नानी जो है वो अपने तो माफ़ कीजिएगा इस जुमले को ज़रा एक मरतबा और देखते हैं मिलकर पढ़ेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज अफेक्शनेट टूवर्ड्स देयर ग्रैंड चिल्ड्रन यानी दादी दादा या नानी नाना अपने पोते पोतियों या नवासे नवासियों के लिए हमेशा मोहब्बत रखते हैं या फिर उनके साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आते हैं। तो ये थे कुछ और नए अल्फाज इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए और इनके मानी को समझने के लिए और जुमलों में इनका इस्तेमाल सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।